उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर इकाई के नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित संघ भवन में संपन्न हुआ, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता ने नव निर्वाचित पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर इकाई के नव गठित कार्यकारिणी में राजेंद्र शर्मा अध्यक्ष, विश्वेश शुक्ला मंत्री, सूर्यभान चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश उपाध्यक्ष, संतोष निषाद संयुक्त मंत्री, पंकज श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, अरविंद कुमार श्रीवास्तव संगठन मंत्री, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव संप्रेक्षक, चंद्रमणि यादव संस्कृति एवं क्रीड़ा मंत्री पर निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरत लाल सहित कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, मंत्री विश्वेश शुक्ला और एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता ने कहा। ठीक है, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कर कमलों से और श्री भरतलाल श्रीवास्तव संपन्न हो रहा है और हमारे साथ सभी को समर्पित करते हुए इस गोरखपुर के पदाधिकारी गण है उनका हमारे चीफ गेस्ट महोदय अपर जिलाधिकारी प्रशासन सर, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी हमारे उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्री महोदय हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करते हुए उनका माल्यार्पण करते हुए हमारी महोदय से कि वो माल्यार्पण कर हमारी मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। सूर्यभान चौधरी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगी संतोष निषाद की वो माल्यार्पण कर संतोष निषाद जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर हमारे कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। चंद्रमणि यादव जो कि सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री हैं, मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री भरत लाल श्रीवास्तव सर से कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सर जो कि उपाध्यक्ष चुने गए हैं, मैं अनुरोध करूंगी प्रशासनिक मुख्य और मुख्य अतिथि के साथ खड़े हो एक खूबसूरत सी ग्रुपिंग। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर के निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ संघ संविधान में दी गई निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करूंगा। वह कर्मचारी हित में कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। स्तुति सृष्टि ने हम सभी के बीच प्रस्तुत की, धन्यवाद सृष्टि। और अगला कार्यक्रम जो मैं आपके सामने कराना चाहूंगी वो करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी तालियों से इन प्यारे प्यारे से बच्चों का स्वागत करें। ये आपके सामने स्वागत गीत और भजन लेकर के आ रहे हैं, मैं इनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी। ये पुत्र और पुत्रियां हैं हमारे राम आशीष श्रीवास्तव जो कि सामयिक सहायक अपने ही बच्चे हैं, उस तरह से इनका स्वागत होना चाहिए, इन्हें पता चलना चाहिए। पास गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन के वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम दिव्य दर
दर्शन से मन की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, खिल गया शुभ चरणों से मेरा ये मन, खिल गया शुभ चरणों से मेरा ये मन। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। अनुरोध करूं कि हमारे नव निर्वाचित मंत्री विश्वेश्वर शुक्ल सर से कि हमारे बीच नगर मजिस्ट्रेट सर का। राजेंद्र कुमार शर्मा, अब उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं सर्वप्रथम जो है अपने कर्मचारियों का सभी जो शासनादेश के मुताबिक जो भी देयक होंगे उनको समय से दिलाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए हमेशा मैं अपने कर्मचारियों का के सहयोग का भी आकांक्षी रहूंगा और जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी होंगे उनके भी देयकों का समय से भुगतान कराने का प्रयास करूंगा तथा प्रदेश के अध्यक्ष या प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे हमारे जिला कार्यकारिणी को उनका अनुपालन हम लोग शत प्रतिशत कराएंगे। इसके साथ ही अपने यहाँ सभी कर्मचारियों के लिए जो कि मुख्यमंत्री का जिला होने के नाते यहाँ पर काफ़ी काम के प्रेशर में रहते हैं उनके लिए कुछ खेल के प्रोग्राम, योगा के प्रोग्राम इत्यादि मैं कराता रहूँगा जिससे कि कार्य के साथ साथ जो है उनकी जो है मानसिक शक्ति मजबूत हो और शारीरिक शक्ति मजबूत हो। मैं विश्वेश शुक्ला, मंत्री उत्तर प्रदेश मिनिस्टर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर। जय संघ। जो उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का मैं जनपद शाखा गोरखपुर का मंत्री निर्वाचित हुआ हूँ, आज शपथ ग्रहण समारोह है। हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं जो जनपद स्तर पे हैं उनको जिलाधिकारी महोदय से मिलकर पूर्ण कराया जाएगा और कर्मचारियों के हित और सम्मान की पूर्ण रक्षा की जाएगी, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और यदि कोई अधिकारीगण उसमें उनके सम्मान की अवहेलना करते हैं तो उनको यह कहा जाएगा कि सम्मान की कर्मचारियों की अवहेलना न करें, उनका सम्मान करें और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। और जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल करने में भी हमारा प्रदेश नेतृत्व लगा हुआ है और हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसके क्रम में हम पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेंगे और कर्मचारी हितों एवं सम्मानों की पूर्ण रक्षा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण है, उसी का कार्यक्रम होगा। सर किन किन लोगों को शपथ दिया है, कौन? इनकी सूची यहाँ पर है, ले लीजिए आप। 8-9 लोग हैं, उन्हें लोग निर्वाचित हैं।